एनिमल का बाप है, इंडिया की सबसे पहली डायरेक्टर है, उन्होंने ऐसा सेम वो एक्सपीरियंस किया है। और क्या आप जानते हैं इस लड़के को, तो अब पहचानने की कोशिश कीजिए। आई कंसीडर माई यूट्यूब फैमिली एज माई पर्सनल फैमिली। Hi guys, welcome or welcome back to my channel. This side Megha Abrol with you all once again. I hope you and your families are doing really, really great. So ये video होने वाली है एकदम different. आज तक आपको मेरे channel पे ऐसी video नहीं दिखी है. You must have seen from the thumbnail because वो clearly दर्शा रहा है कि ये video किस बारे में होने वाली है. तो मेरा ये video बनाने का एक मकसद है जो आपको ये video के end में पता चल जाएगा, हो सकता है बीच में भी पता चल जाए, depend करता है बहुत सारे factors में. और यहाँ तक कि इस movie के जो creators हैं उन्होंने ये दावा किया है कि ये इंडिया की सबसे पहली ऐसी मूवी है जिसमें एक्सट्रीम वॉयलेंस दिखाया गया है. इनफैक्ट अगर हम ट्रेलर में देखें तो वहां पर वार्निंग भी दी गई है जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है, दिस फिल्म कंटेन्स वॉयलेंट कंटेंट विच मे बी इंटेंस और डिस्टर्बिंग फॉर सम व्यूअर्स, व्यूअर्स डिस्क्रिशन इज एडवाइज्ड. बिकॉज बहुत सारे इंडिया में ऐसे लोग हैं जो कमजोर दिल वाले हैं. वैसे मुझे तो एक्शन बहुत ज्यादा पसंद है, बट बहुत सारे लोग हैं जिनको एक्शन से डर लगता है, तो वो ये मूवी अगर देखना चाहते हैं तो दिल थोड़ा सा थाम के देखना पड़ेगा. तो बहुत बातें कर दी मैंने मूवी के बारे में, लेकिन मूवी का नाम तो बताया ही नहीं. तो मूवी का नाम है किल, जिसको डायरेक्ट किया है निखिल नागेश भट्ट ने, और धर्मा प्रोडक्शंस की मूवी है और बहुत बड़े कोई सुपरस्टार नहीं है. हीरो का नाम है लक्ष्य, हीरोइन का नाम है तान्या, और एक को तो आप जानते होंगे राघव जुयल जो कि डांसर भी है, जिनको आप क्रॉकरोच के नाम से जानते हो, स्लो मोशन याद है. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम पहले हम ट्रेलर ही देख लेते हैं. Happy 4th anniversary. Yes. Yes. साधारण फौजी नहीं है, मैं ग्रेट ही और कम बड़ी हूं. इस टूरिस्ट की वो लोग कुछ भी कर सकते हैं. गजब विस्फोटक प्यार है बे फौजी का. ऐसे कौन मारता है बे? रक्षक नहीं जरा राक्षस हो तुम, राक्षस. बाहर निकलो. एनिमल को पीछे छोड़ दिया इसके ट्रेलर ने, ऐसा लग रहा है मुझे. सो गाइस, मैंने आपको एक क्लिप में जब मैं रिएक्शन दे रही थी तो ये बोला था कि क्या आप जानते हैं इस लड़के को, तो दोबारा से चलो वो स्लो मोशन में जाते हैं, पीछे रिवाइंड करते हैं, तो ये था वो लड़का. अब पहचानने की कोशिश कीजिए, आप में से हो सकता है कुछ लोग पहचान ले. थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, शायद अब आप पहचान लो. पहचाना? तो ये है मेरा दोस्त मोजेस, जिसको आपने मेरे काफी सारे व्लॉग्स में देखा होगा. जिन्होंने नहीं देखा है जाके जरूर देखना. तो ही हैज डन this movie and he is a part of this, so I felt really proud ki koi apna dost aise dharma ki movie mein aa raha hai. maine kabhi socha nahi tha, to be very honest. aur yahi mera maqsad tha ye vlog, I mean ye video banane ka. vlog karke na aadat ho gayi hai vlog bolne ki, to ye video banane ka. otherwise mere channel pe aapko aaj tak koi bhi reaction video nahi milegi. so you all know that I consider my youtube family as my personal family.
तो अगर मेरे लिए वो गुड न्यूज है तो आई वॉन्टेड टू शेयर दिस गुड न्यूज विद ईच वन ऑफ यू एंड दैट वॉज द रीजन आई वॉज मेकिंग दिस वीडियो. आई होप कि आपको अच्छी लगी हो. अब आपको मूवी जाके जरूर देखनी है जो कि रिलीज हो रही है 5 जुलाई को, तो जाके जरूर देखना. और जिन्होंने इसको नहीं देखा है वो मेरे पुराने ब्लॉग्स में जाके भी देख सकते हैं. आई मस्ट टेल यू कि ये एनिमल का बाप है. लोग इसको कंपेयर कर रहे थे जॉन विक से, द रेड से, लेकिन काबिले तारीफ है, इसने सबको पीछे छोड़ दिया. वरना स्टार कास्ट की बात करें तो कोई बड़ा सुपरस्टार नहीं है सलमान खान, शाहरुख खान. इनफैक्ट धर्मा का प्रोडक्शन है, तो अगर हम धर्मा की बात करें तो हमेशा मेरे दिमाग में तो वो लव स्टोरी या फिर वो फैमिली जॉनर वो ही जाता है, बट एक्शन बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, खासकर ऐसा. काबिले तारीफ. और गाइज मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मूवी के डायरेक्टर हैं उन्होंने ऐसा सेम इंसिडेंट, क्वाइट सिमिलर जो है वो एक्सपीरियंस किया है, और अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पे ही ये पूरी स्टोरी लिखी होगी और फिर मूवी बनाई होगी. तो अब थिएटर में जाके ही पता चलेगा कि एग्जैक्ट मूवी क्या है, उसकी स्टोरी लाइन क्या है, प्रॉपर चीज़ें. तो आप थिएटर में जाके ज़रूर देखना, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छी होने वाली है. अब देखते हैं जाके कि एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरती है या फिर नहीं, वो तो जाके ही पता चलेगा. तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए हंसते और मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए. और अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आई है तो क्या करना है आपको पता है, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब. प्लस मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है कि आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट रिएक्शन वीडियो एंड ऑल, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, प्लस शायद लोगों को पसंद भी नहीं आएगा. तो अगर कुछ भी ऐसा है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई वुड बी रियली रियली हैप्पी. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाई.